हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केटी फूड केटर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन का चीला। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सारी सब्जियाँ कट करके रख दी है। अब हम एक तपेली में बेसन लेंगे एक कटोरी। अब इसमें हम सूजी ऐड करेंगे आधी कटोरी। इसके बाद हम प्याज ऐड करेंगे। इसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा इसमें नींबू ऐड कर देंगे। अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमने इस तरह का घोल तैयार करना है। इसके बाद हम एक पैन लेंगे, उसमें ऑयल लगा लेंगे। पहले घोल डालने के बाद इसको हम पलट के अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से हमको इसको सेक लेना है अच्छे से दोनों तरफ से। इसी तरह हमें सारे चिल्ले तैयार कर लेने हैं। इसको हम दही या फिर अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसको अच्छे तरह से दोनों तरफ सेक लेना है। देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है ये। तैयार है हमारे बेसन के चिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल कैडी फूड केटर्स।